तकलीफ मुझे इस बात की भी है कि उस मंच पे मेरा छोटा भाई तेजस्वी मौजूद थे। तो वो वीडियो देखे हैं, कोई हमको भेजा था, तो पब्लिक में मंच पे थोड़ी कोई दे रहा है, पब्लिक में कोई दे रहा है, कोई भी बना के दे सकता है। ऐसे तो मेरे बारे में भी लोग देते होंगे, तो इस पे बात के बतंगर क्यों बनाना। और अब मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, मैं राष्ट्रीय जनता दल की बात कर रहा हूँ। इन लोगों की आदत बन गई महिलाओं को अपमानित करना, माँ बहन बेटियों को अपमानित करना। कौन है क्या है वो अपना वीडियो बना रहा है, तो पब्लिक पे सुनाया है, वीडियो देखे आप लोग, आप लोगों को क्या लग रहा है? हम भाषण दे रहे हैं, हजारों लोग हैं, हजारों में से कोई नीचे एक वीडियो बना करके नीचे से डाल रहा है, इन्हें की मत से डाल रहा है, तो इसमें क्या मतलब है भाई? मैं अगर उनकी जगह होता, मैं अगर तेजस्वी जी की जगह होता और कोई कोई उनके परिवार को ऐसे गाली देता, मैं मुंह तोड़ जवाब देता। चुनाव के दौरान कौन बेवकूफ होगा जो ऐसी बातें करेगा? अंत में एक गंभीर विषय की मैं जरूर चर्चा करूंगा, जो मेरे लिए बहुत पीड़ादायक रहा, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा दुखी करने वाला विषय। राजनीति में कई बार हम लोगों ने कई तरीके के आरोप प्रत्यारोप झेले हैं और झेलेंगे भी। मैं हमेशा से राजनीति में शब्दों की मर्यादा का पक्षधर रहा हूं। मेरे लिए मैं मानता हूं कि कड़े से कड़ा विरोध भी मर्यादित शब्दों में रहकर किया जा सकता है। आपको कड़ी से कड़ा विरोध दर्ज कराना है भारतीय भाषा में, और मैं हर भाषा का जिक्र कर रहा हूं, हिंदी हो, भोजपुरी हो, मैथिली हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, मलयालम, पंजाबी, हर भाषा में आपके पास ये विकल्प है कि आप मर्यादित भाषा का शब्दों का इस्तेमाल करके आप अपनी बातों को रख सकते। ऐसे में सभ्य समाज में गाली गलौज की कहीं पर भी कोई गुंजाइश नहीं। सभ्य समाज में गाली गलौज का इस्तेमाल करना कतई उचित, और वो भी ऐसे लोगों के लिए जो कि सार्वजनिक जीवन में भी नहीं, जो कि राजनीतिक जीवन में नहीं। एक बार के लिए अगर मुझे कोई गाली दे रहा है ना, मानूंगा, मैं हूं राजनीतिक जीवन, और भाई बिहारी ही है जो दे भी रहा, मेरे सर आंखों पर, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पर हाँ, कोई मेरे परिवार को गाली दे, ये मुझे नहीं लगता कि कोई भी पारिवारिक व्यक्ति इस बात को बर्दाश्त करे। हम सब परिवार से आते हैं, हमारे घर में सबकी माएं, सबकी बहनें हैं, अपनी मुंह बोली जो भी, हम सब कहीं ना कहीं महिलाओं के आसपास पले बढ़े। और मैं मानता हूं और हर मन से मैं कहता हूं, महिलाएं आधी आबादी है, सृष्टि की जननी है महिलाएं। महिलाएं ना हो तो ये सृष्टि रुक जाएगी, थम जाएगी। पर कुछ राजनीतिक दलों की आदत बन गई है महिलाओं को अपमानित कर। 90 का वो दशक भी हम लोगों ने देखा, और अब मैं नाम लेके बोल रहा हूं, मैं राष्ट्रीय जनता दल की बात कर रहा हूं। इन लोगों की आदत बन गई महिलाओं को अपमानित करना, माँ बहन बेटियों को अपमानित करना, और यही कारण रहा कि 90 के दशक में जो पलायन हुआ, लोगों ने अपने इज्जत अपने स्वाभिमान को बचाने लोगों को बिहार छोड़कर जाना पड़ा, और आज भी वही शैली देखने को मिलती, उसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाता, उसी शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता, और जिस तरीके से माँ बहन को गाली दी जाती, और वो भी तब जब उनके दल के सबसे बड़े नेता उस मंच पे मौजूद रहते। तकलीफ मुझे इस बात की भी है कि उस मंच पे मेरा छोटा भाई तेजस्वी मौजूद थे। माँ सिर्फ वो मेरी ही नहीं, उनकी भी है। जो पारिवारिक रिश्ता है, मेरे ऊपर तो कई बार आरोप भी लगते हैं इसी बात के कि मैं लालू परिवार से मैं बहुत ज्यादा पारिवारिक रिश्ते निभाता हूं। जो है वो है, और मैंने कभी इस बात को छुपाया नहीं। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का वो संबंध आदरणीय लालू जी के साथ रहा, दोनों समकक्ष रहे हैं, साथी रहे, सहयोगी रहे, बचपन में हम तेजस्वी साथ खेले, वो रिश्ता रहा है हम दोनों के परिवार के बीच।
राजनीतिक मतभेद एक तरफ, और इस चीज को उन्होंने भी खूबसूरती से निभाया है, मैंने भी निभाया, राजनीतिक मतभेदों को एक तरफ रखा है, पर भले मेरी भतीजी का जन्म हो या उनके यहाँ इफ्तार की पार्टी हो, मैं हर उस आयोजन में मैं जाता रहा, अलग गठबंधन में होने के बावजूद, क्योंकि मेरे पिता ने ही मुझे इन व्यक्तिगत संबंधनों को निभाना सिखाया। पर ऐसे में जब उन्हीं के सामने मेरे परिवार के लोगों को गाली दी जाती है, मैं अगर उनकी जगह होता, मैं अगर तेजस्वी जी की जगह होता और कोई कोई उनके परिवार को ऐसे गाली देता, मैं मुंह तोड़ जवाब देता, उसी वक्त देता। राजनीति एक तरफ है, मेरे लिए आदरणीय राबड़ी देवी जी भी मेरी ही माँ है, और मैं कतई फर्क नहीं करूंगा उनमें और अपनी माँ में। मेरे लिए उनका सम्मान उतना ही है जितना मेरी अपनी माँ का। मेरे लिए मीसा दी हूं या मेरी तमाम और बहनें उनके परिवार की, उनके लिए वही सम्मान है जो मेरा मेरी अपनी बहनों के लिए। राजनीतिक लड़ाई में राजनीतिक मंच पे लड़ूंगा और डट कर लड़ूंगा, पर अगर मेरे सामने कोई मेरी माँ राबड़ी देवी जी को ऐसा बोलता, मैं मुंह तोड़ जवाब देता हूं। पर उसके बावजूद वो वहां पर खड़े रहे, सुनते रहे, एक शब्द उन्होंने बोलना जरूरी नहीं समझा। तो ये याद दिलाता है उसी दौर की, जिस दौर की याद लोगों को ना आए। मेरे छोटे भाई ने अपने पिता की तस्वीर हटा दी थी 2020 के चुनाव में, लोगों को जंगल राज की याद ना आए, उन्होंने तमाम बैनर पोस्टर होर्डिंग से अपने ही पिता की तस्वीर हटा दी। क्यों? क्योंकि वो एक नई छवि बनाना चाहते। पर अफसोस, मेरा छोटा भाई कभी ऐसे नई छवि नहीं बना पाए। अगर उन्हीं के सामने बहन बेटियों को इस तरीके से अपमानित किया जाएगा, और ताज्जुब होता है मुझे उनकी पार्टी की प्रत्याशी को लेकर, आप भी महिला हैं। कुछ दिनों पहले उनके कुछ वीडियोस मेरे पास आए, मेरे पार्टी के लोग यहां बैठे, एक शब्द मैंने नहीं बोला उसको। वो उनकी पर्सनल, और मैं अभी भी मैं कहता हूं उनकी व्यक्तिगत जिंदगी है, जो करना है स्वतंत्र है हर व्यक्ति। पर ऐसे में जब वो उस मंच पर खड़ी, भाई आप भी किसी की बेटी हैं, आप भी किसी की बहन होंगी, आपके घर में भी लक्ष्मी होगी या लक्ष्मी आएगी या परिवार में होगी, ऐसे में आपके सामने एक महिला को बेइज्जत किया जाए और आप खामोशी से सुन रहे, मुझे बताइए जमुई की महिला कैसे अपने आप को सुरक्षित समझेंगी? मैं बार बार मैं कहता हूं, राजनीतिक विरोध एक तरफ है, आप दीजिए खुलकर चिराग पासवान को गाली दीजिए, हर गाली आपकी मेरी सर आंखों पर। मेरी मां, मेरे परिवार के बारे में अगर ऐसा बोलिएगा तो ये मैं तो क्या कोई भी बिहारी बर्दाश्त नहीं और नहीं करे। हर वो व्यक्ति जो स्वाभिमानी होगा, हर वो व्यक्ति जो घर परिवार का होगा, वो नहीं इन बातों को बर्दाश्त करे। ऐसे में मैं कोई कार्रवाई नहीं कर रहा हूं इन लोगों के ऊपर, क्योंकि मैं मानता हूं कि वो लोग भी बिहारी ही हैं, मेरे ही हैं, भटके हुए हैं, और जब नेतृत्व ही उनको संरक्षण देगा तो इस तरीके के हुड़दंग करने के वो आदि हो जाते हैं। और यही कारण रहा कि 90 के दशक को जंगल राज के तौर पर पहचान मिली। ये उनके नेताओं को सोचना है कि कैसी सीख आप अपने पार्टी के कैडर को दे रहे। आज आप ऐसी बातों का बढ़ावा चिराग पासवान के परिवार के लिए कर रहे, कल को भगवान ना करे अगर इन बातों को बल मिला तो बिहार के कई और परिवार पर ऐसी आ जाए। ऐसे में चुप रहना कतई जायज नहीं, और मैं आप सबसे भी आग्रह करूंगा, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो डिलीट कर दीजिएगा इन सारी चीजें, और अगर मैं सही बोल रहा हूं और आप सब भी अगर इसको जोड़ के देखते हैं कि कल को कोई आपकी माँ के लिए, आपकी बहन के लिए, आपकी बेटी के लिए बोले, अगर आप लोग महसूस करते हैं तो मेरा साथ दीजिएगा इसमें। मुझे आप लोगों से कोई राजनीतिक पक्षपात नहीं चाहिए, कतई नहीं चाहिए, बट जो गलत है वो गलत है, और आज से मेरी माँ है इसलिए गलत नहीं। मैंने बार बार मैंने कहा, कल को अगर तेजस्वी जी की भी होती, सबसे पहला व्यक्ति चिराग पासवान होता जो खड़ा होता है इसके लिए, और मैं हुआ हूं इससे पहले भी, गठबंधन के खिलाफ जाकर मैंने आवाजें उठाई, महिलाओं के सम्मान के खिलाफ, बुजुर्गों के सम्मान के खिलाफ, युवाओं के अधिकारों को लेकर। और ये ऐसी बातें हैं जिसपे जात पात धर्म मजहब राजनीतिक दलों से उठकर, दलगत राजनीति से उठकर हम लोग को सोचने की जरूरत है।
कौन दिया? हम दिए? दिया कौन? हम तो वो वीडियो देखे हैं, कोई हमको भेजा था तो पब्लिक में, मंच पे थोड़ी कोई दे रहा है, पब्लिक में कोई दे रहा है, कोई भी बना के दे सकता है ऐसे, तो मेरे बारे में भी लोग देते होंगे, तो इस पे बात का बतंगर क्यों बनाना है? अगर ऐसी बात मेरे सामने मेरे कान तक आई होती तो ये सब कोई टॉलरेट करता है जी? और चुनाव के दौरान कौन बेवकूफ़ होगा जो ऐसी बातें करेगा? ये सब पब्लिक नीचे है, पब्लिक में कौन है क्या है वो अपना वीडियो बना रहा है, तो पब्लिक में से ना आया है, वीडियो देखे आप लोग, आप लोगों को क्या लग रहा है? हम भाषण दे रहे हैं, हजारों लोग हैं, हजारों में से कोई नीचे एक वीडियो बना करके नीचे से डाल रहा है, इन्हें की मत से डाल रहा है, तो इसमें क्या मतलब है भाई? फिर इसमें क्या लेना है? ऐसे तो कितना लोग हम लोग को गाली देता दिन रात, हाँ केंद्र में 10 साल से उनकी सरकार, 17 साल से उनकी डबल इंजन की सरकार, उनके सांसद, उनके विधायक, फिर भी जंगल राज वारे भाई, ये अपने ही की सरकार को कोस रहे हैं क्या? अरे दुखद खबर है, इसमें जो भी प्रशासन है उसको इस मामले को देखना चाहिए और आर्थिक सहयोग जो है लोगों को करना चाहिए। क्या चीज? देखिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हमारी पूरी सहानुभूति है, हमारे आदरणीय हैं और हम उनका हमेशा सम्मान करेंगे, और आप लोग सब लोग जानते हैं कि उनके दल में जो 2-4 लोग हैं उनके वजह से जो है उनकी छवि को जो है धूमिल किया जा रहा है, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, और जब समय आएगा, अभी तो ये स्थिति नहीं है कि उनकी हम आलोचना करें, लेकिन जब समय आएगा तो हम जब किताब लिखेंगे तो इस किताब में उन लोगों का भी जिक्र करेंगे कि कौन लोग जो है बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का इस्तेमाल किया गया। हालांकि आप लोग तो जानते हैं, हम तो उनके बेटा की तरह हम उनके साथ खड़े थे, लेकिन कुछ लोगों को ना गवारा लगा उनके दल में जो 2-3 लोग हैं, हालांकि हमारी पूरी सहानुभूति उनके प्रति।